अच्छा आपको क्या लगता है, हट मत साला। हाँ हम क्या पूछ रहे थे कि आजकल के ज़माने में सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है, जिसके मोबाइल में कोई पासवर्ड ना हो, जिसके फ़ोन में कोई पासवर्ड ना हो, वो है आजकल के ज़माने का सबसे ईमानदार व्यक्ति। समझे, आजकल तो सब छोटा वाला जो फ़ोन रखा हुआ है उसमें भी सब पिन लगा के रखता है, पासवर्ड लगा के रखता है। समझे, वैसे आजकल के ज़माने में कीपैड वाला फ़ोन उतना है नहीं, 1-2% लोग रखे होंगे कहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बाकी बस सबके हाथ में स्मार्टफोन है। बच्चे बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है आजकल। बच्चा सब तो आजकल बिना स्मार्टफोन के न खाता है, न पीता है, न सोता है, न खेलता है, न लैट्रिन करता है, कुछ करवे नहीं करता है। समझे, सबको चाहिए फ़ोन। अगर फ़ोन दे दीजिए तो वो चुप हो जाएगा, अगर फ़ोन ले लीजिएगा तो रोने लगेगा। समझे, पहले के ज़माने में क्या था ना कि बच्चा सब रोता था तो खिलौना ला के दिया जाता था, छुपाया जाता था, खिलाया पिलाया जाता था। लेकिन आजकल के ज़माने में बस एक फ़ोन दे दीजिए, बस खुश है, उसके बाद कभी रोएगा ही नहीं, न खाने के लिए, न खेलने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कभी नहीं रोएगा। आजकल का ज़माना ये हो गया है। तो बात ये नहीं है, बात मुद्दा कुछ और है। मुद्दा ये है कि एक सलाह दे रहे हैं, कभी भी ज़िंदगी में कभी भी किसी के फैमिली मैटर में नहीं पड़िएगा। समझे, मान लीजिए किसी फैमिली में अगर झगड़ा हो रहा हो तो बीच में नारद मुनि बनने का कोशिश कभी नहीं कीजिएगा। समझे, जो होता है ना कि इसका सपोर्ट किए, फिर इसका भी सपोर्ट कर दिए, उसका विरोध किए, इसका विरोध किए, ऐसा मत कीजिएगा। फैमिली मैटर है, सबको अपने संभालने दीजिए, कुछ भी हो जाए। समझे, चुपचाप रहिएगा, ज़्यादा अपना जो है ना राय विचार नहीं दीजिएगा, नहीं तो होगा क्या इसका परिणाम कि बाद में सब एक हो जाएगा और आप पड़ जाइएगा अकेले, और बाद में आप जिसको सपोर्ट किए होंगे वो भी आपके विरोध में हो जाएगा, और जिसके विरोध में आप होंगे उस समय में वो भी आपके विरोध में तो रहेगा ही आजीवन भर, ज़िंदगी भर। इसीलिए कभी भी किसी के फैमिली मैटर में ना पड़े। हाँ, जब आपका उसमें कुछ बनना बिगड़ना हो तब आप उसमें पड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर किसी दूसरे के फैमिली मैटर में कभी मत पड़िएगा, क्योंकि ऐसा ऐसा बहुत एग्जांपल है, हर दिन देखते रहते हैं कि कुछ लोग समझाने भी जाते हैं तो लोग जो है ना उल्टा सुलटा ले लेते हैं, उल्टा सुलटा समझ लेते हैं और उससे जो है ना दुश्मनी मोल लेते हैं। समझे, तो बेनिफिट इसी में है कि अपने काम से मतलब रखिए, उसे तो अपने ही काम पे फोकस कीजिए, अपने ही से ज़्यादा मतलब रखिए, दूसरे से क्या मतलब रखना है कि नहीं, अपना कमाइए, अपना खाइए, यही सब बात है। तो बात यही था कहना कि कभी भी किसी के फैमिली मैटर में ना पड़िए। समझे, जब तक ज़रूरत ना हो, जब तक मतलब जो है ना उतना इमरजेंसी वाला बात ना है। फैमिली मैटर किस चीज़ का, मतलब कि झगड़ा उगड़ा हो रहा हो तब, अगर किसी का कुछ नुकसान हो रहा हो, अगर किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम आ गया, समस्या आ गया, तब तो आपका फर्ज बनता है, कर्तव्य है कि आप एक इंसान के तौर पे आप जाके उसका हेल्प करें, मदद करें, वो अलग बात है। समझे, समझिएगा, ये चीज़ आप पे है कि कब टांग हराना है, कब टांग नहीं हराना है, किस चीज़ में हेल्प करना है, किस चीज़ में हेल्प नहीं करना है, किस चीज़ में जाना है बीच में, किस चीज़ में बीच में नहीं कूदना है। समझे, इट्स ऑल अप टू यू। समझ रहे हैं कि नहीं, बस यही बात था आज के लिए, इतना ज्ञान काफ़ी है। ज्ञान ज्ञान का तो हम भंडार हैं, बहुत ज्ञान है, लेकिन आज के लिए इतना ही ज्ञान, और बाकी जो ज्ञान है हर दिन थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ओवरडोज हो जाएगा ना एक दिन, साफ है कि नहीं।